वो कंपोस्टेबल पॉलिथीन यूज करेगा, पॉलिथीन डाइवर्सिफिकेशन कंपोस्टेबल मत लिया। पेपर बैग और पैसा किसको देना है, पैसा कंज्यूमर को देना है। ठीक है, इसे ऑलरेडी केल दर्जन करना पांच पंद्रह रुपये करना एक सदस्य दहन रुपये सीट पे फर्क बैग रुपये सीट पे यह अगर लाइक सही मतलब मानियन मज वो रेस्पॉन्सिबिलिटी हाँ ज्यादा दैन एनफोर्समेंट। ताहम अगर कंपेयर करो मिसाल डिस्ट्रिक सरीनगर डिस्ट्रिक अनंत नाग बाकी डिस्ट्रिकन शुपन मह कंट्रोल मगर यह गए 100% कंट्रोल सिंगल यूज प्लास्टिक खानर मन यूज कर डिस्पोजेबल प्लेट्स फजूल मन तुम चीज कर पे सुरंग कुछ नबर कहीं सुरंग त्रवित या क्या जबरदस्त। ट्रेडर्स बॉडी की मीटिंग बुलाई थी यहाँ पे और जो भी रेस्पेक्टेड सिटीजन्स हैं हमारे शोपियान टाउन के हमने एक जॉइंट मीटिंग ली यहाँ पे जिसके बारे में हमने अप्राइज किया और एक्वेंट किया लोगों को रिगार्डिंग बैनिंग ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्रॉम जुलाई 2022 और जो पॉलीथीन का मिनेंस है इसको पूरे टाउन में ख़त्म करने के लिए हमने सही इकदाम उठाए हैं और इन इकदाम को अंजाम देने के लिए आज जो ट्रेडर्स बॉडी है उन्होंने फुल सपोर्ट हमें किया और टुगेदरली वी हैव वाउच्ड कि हम शोपियान टाउन को पॉलीथीन फ्री करेंगे 100% पॉलीथीन फ्री करेंगे और जो भी अल्टरनेटिव्स हैं वो हमने उनको एक्सप्लेन किए एंड दे आर रेडी वो अल्टरनेटिव्स अडॉप्ट करने के लिए। एक्चुअली ये जो आज हमने इनिशिएटिव लिया है ये खाली डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं लिया है हमने हायर अथॉरिटीज़ जो हैं दे आर रियली सीरियस अबाउट इट और उन्होंने भी कुछ सही इकदाम उठाए इसके लिए। आई एम होपफुल कि इसका जो मोमेंट है पॉलीथीन का वो भी रुक जाएगा जो बैन पॉलीथीन है और जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो भी कम्प्लीटली बैन है। और मैं आपको बताते चलूं कि जिस किसी भी बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट के पास सिंगल यूज़ प्लास्टिक मिलेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको बताऊं कि ये जो पॉलीथीन और प्लास्टिक है इसमें फ्रीक्वेंसी फैक्टर जो है वो मैटर करता है। फ्रीक्वेंसी फैक्टर इन द सेंस कि अगर हमारे पास कोई प्लास्टिक चीज़ है लेकिन वो फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होती है सो उसका इफ़ेक्ट जो है एनवायरनमेंट पे वो बहुत ही कम रहता है। लेकिन कंपेरेटिवली अगर हम देखें हम दिन में शॉपिंग के लिए जाते हैं और पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं उसमें फ्रीक्वेंसी फैक्टर ज़्यादा है तो उससे हमारा एनवायरनमेंट जो है वो ज़्यादा पोल्यूट होता है। जिस हिसाब से आज हमने स्ट्रेटजी डिवाइस की और जिस हिसाब से हमने ब्रीफ किया अपने ट्रेडर्स ब्रदर्स को उस हिसाब से हमें लगता है कि हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा शोपियान टाउन को पॉलीथीन फ्री करने में एंड वी आर होपफुल हमारा जो टाउन है ये क्लीन और ग्रीन रहेगा। प्लास्टिक यूज़ जो होता है सारे जम्मू कश्मीर में और ख़ासकर मेरे टाउन में आज म्यूनसिपल कौंसिल ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें ट्रेडर्स हजरात सामाजिक कारकुनान और सीनियर सिटीजन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मुद्दा और मकसद ये था कि शोपियान को हम पॉलीथीन फ्री करेंगे क्योंकि ये तो एक बड़ा थ्रेट है टू एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ एज वेल एज इन वाटर और जो कि प्लास्टिक यूज़ से जो केमिकल्स रिलीज होते हैं तो वो तो लैंड हमारी इनफर्टाइल हो जाती है और ड्रेनेज प्रॉब्लम में ड्रेनेज सिस्टम में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है और इन्वायरमेंट पर भी बहुत असर पड़ता है। ये तो एक समाज में एक जहर की तरफ बढ़ रहा है। इसको रोक लगाने के लिए आज तमाम ने यहाँ अहद किया है कि हम मिलजुल कर इस शोपियान को पॉलीथीन फ्री करेंगे ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट और हमारी जो सेहत है वो अच्छा रहे और एक रोड मेट बन जाए और तमाम डिस्ट्रिक्टों से और हम उम्मीद करते हैं कि इस मुहिम को आगे चलाने में सबका हाथ होना चाहिए ताकि एक अच्छी ज़िंदगी और सेहतमंद ज़िंदगी हम गुजारें।